हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सो के उठी हूँ तो आवाज़ थोड़ा भारी है। दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं तो लगा कि वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कभी सोच मतलब ना मम्मी, जब से आए हैं हम लोग खाटू श्याम से और तब से हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन आए हैं तब से तो किसी और टॉपिक पे बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद किसी और टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं। क्योंकि गाइस हुआ ये कि हम लोग गए हुए थे खाटू श्याम, बहुत दिन से मन था। लोगों के मुंह से सुनते थे कि खाटू श्याम जाने से मन्नत पूरा हो जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, मतलब बहुत सुन के रखे थे। तो मेरे मन में भी कोई कामना था, बहुत दिन से पूरा नहीं हो पा रहा था ना। फिर हम लोग जाने का मन बनाए खाटू श्याम। फिर ये मेरी मम्मी है, देवघर बाबा धाम में रहती है। फिर मम्मी को भी बोले कि हम लोग जा रहे हैं तो तुम भी आओ, साथ में चलेंगे। फिर मम्मी का भी टिकट हुआ। फिर हम लोग भी पिछले महीने 18 को गए हुए थे, 18 अगस्त को हम लोग खाटू श्याम। फिर वहाँ से हम लोग आए, हम लोगों को खाटू श्याम में बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग आए, कैसा लगा खाटू श्याम में बताओ? बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मम्मी, हम लोग सब कोई गए थे। फिर वहाँ से आए तो गाइस, हम लोग वहाँ से जब आए तो मतलब कहीं भी तीर्थ स्थल जाते हैं तो लाते ही है ना फोटो। हम लोग पिछले बार भी गए थे वहाँ पे मथुरा वृंदावन, तो वहाँ से भी हम लोग सबके लिए, दीदी भाभी घर के लिए, अपने लिए, मतलब हम लोग मेरी ननद के लिए, सबके लिए लेके आए थे वो माँ के बिहारी का फोटो मूर्ति, मतलब सबके लिए लेके आए थे। और वहाँ पे तो वो भी मिल रहा था तो लड्डू गोपाल गाइस, तो वहाँ से लड्डू गोपाल भी सबको को देखते थे लेके आ रहे थे अपने घर में। लेकिन ना हम इस वजह से नहीं लाए क्योंकि ना लड्डू गोपाल को सुनते थे कि मम्मी भी लोग भी बताती हैं कि लड्डू गोपाल को वैसे ही उसका भोग लगाया जाता है, नहलाया जाता है। तो मेरा तो दो बच्चा छोटा छोटा है गाइस, तो वहाँ से लेके नहीं आए कि हम हो सकता है कि उस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो जितना कर पाए वही तो हम फोटो ही लाए थे वहाँ से। तो इस बार भी हम लोग खाटू श्याम गए थे, वहाँ से भी हम दिखाते हैं, मंदिर में रखे हुए हैं गाइस। एक सेकंड, ये खाटू श्याम जी का हम फोटो लेके आए थे गाइस, देख सकते हैं आप। तो गाइस मैं अपने देखा, जैसे मैं मंदिर में मैंने आपको दिखाया कि खाटू श्याम का, उसी टाइप से हम अपने लिए भी लेके आए हैं, दीदी के लिए, मम्मी भी घर के लिए लेके आई है, भाभी के लिए, सबके लिए वैसा ही लेके आई है 7-8 पीस। तो वहाँ से जब लेके आए तो हम घर में, तो आने के 2-3 दिन के बाद ही अपने घर में, दूसरे दिन ही अपने घर में, तो मंदिर में रख लिए, पूजा पाठ करते हैं। और लेकिन मेरे घर में भी कोई आए, या फिर मेरी दीदी कलकत्ता में रहती है, वो भी, सबका कहना है कि खाटू श्याम जी का फोटो या मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। कारण ये है कि वो भी सब कोई अपने अपने हिसाब से सब कुछ अपना बता रही है। कोई बता रही है क्या कि कोई अपने घर में लेके आई थी, उसके घर में बहुत बीमार रहने लगे लोग, तो किसी का तरक्की रुक गया। मतलब घर में नहीं रखना चाहिए। खाटू श्याम महाराज का पूजा करिए, मन से ध्यान करिए, सब कुछ करिए, लेकिन मतलब वो जो मैंने आपको फोटो दिखाया, आधा शीश का कटा हुआ, आधा शीश का ही तो खाटू श्याम जी का रहता ही है, तो उसको ना घर में नहीं रखना चाहिए ना। सब जिससे भी पूछ रहे हैं, कोई कोई यही बोल रही है, कोई बोलती है नॉलेज नहीं है, कोई बोल रही है हाँ हम भी सुने हैं, नहीं रखा जाता है। तो अब हम लोग कन्फ्यूज हैं गाइस, क्या करें, रखें नहीं रखें। अब मंदिर में तो रखे हैं, पूजा कर रहे हैं, अब मम्मी लेके भी आई है 7-8 पीस, तो अब बोल रही है कि क्या करें। तो गाइस आप लोग कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए। और बाकी अभी तक तो हम लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है, तो क्या करें समझ नहीं आ रहा। और एक का कहना है गाइस कि वो लेकर के आई थी, और अपने घर में बड़ा सा वो लेकर के आई थी, तो वो अपने घर में लगाई हुई थी, तो उसके घर में एक बार पंडित जी कोई पूजा करने के लिए आए हुए थे। तो वो पंडित जी जैसे ही ध्यान गया उनका ऊपर लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये फोटो क्यों लेके आ गए, फिर इसी पे वो रुक गए, फिर आगे कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो जिनके घर में पूजा करने के लिए गए हुए थे और जिन्होंने वो तस्वीर लगा के रखा था, वो ध्यान नहीं दी पंडित जी, बस इतना ही बोल के रुक गए, तो वो भी ध्यान नहीं दी, कुछ तो रखा लगा हुआ ही रहा उनके घर में। तो वो जिनके घर में ये घटना हुआ वो खुद बता रही है। फिर क्या हुआ कि लगा हुआ था, फिर 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, तो उसके घर में ना बहुत बीमार रहने लगे लोग,
तबीयत खराब रहने लगा। फिर भी वो बोली ना कि कोई कोई बोला उनको कि हटा दो ये फोटो को, फिर भी वो बोली कि जितना भी कष्ट देना है खाटू श्याम महाराज जी को मतलब देने दो, हम झेल लेंगे लेकिन हम हटाएंगे नहीं। फिर भी मतलब तबीयत खराब ही रहने लगा एकदम बुरी तरीके से। जब 6 महीना बीत गया सही नहीं हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ आए दिन तबीयत खराब फैमिली में सबका रहने लग गया, तो लास्ट में हार के वो मंदिर में रख दी गई खाटू श्याम महाराज जी का मतलब तस्वीर वो बड़ा सा लेके आई थी तो रख दी। तो अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो प्लीज़ गाइज आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कंफ्यूज हैं। कभी हम लोग गए नहीं थे खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए, पहली बार गए हुए थे, पहली बार लेकर के आए तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से जाएंगे दर्शन करने के लिए लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज ताकि हमको भी मतलब समझ में आए कि क्या करें क्या नहीं करें। बाय गाइस।